नमस्कार दोस्तों, सी एस सी फेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एक नए पैन कार्ड पोर्टल के बारे में जिसका नाम है rvpancard.in। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है rvpancard.in वेबसाइट, कौन कौन सी इसमें सर्विसेज हैं, कितना मिलता है आपको इसमें कमीशन, कितनी लगती है आईडी कॉस्टिंग, कितनी लगती है कूपन कॉस्टिंग, कैसा दिखता है इसका डैशबोर्ड और कैसे आप UTI PSA पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियो दिलाऊँ उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तब चलिए सीधे चलते हैं हम rvpancard के वेबसाइट पर। कुछ ऐसा दिखता है इसका वेबसाइट और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका URL है rvpancard.in। ठीक है, इसे स्क्रॉल करके थोड़ा सा अगर आप नीचे चले आएंगे तो इनकी जो भी सर्विसेज है सारी सर्विस एक एक करके आपको मिल जाएंगी, जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और जिस भी आईडी में इंटरेस्ट है आपका, जो आप रिटेलर बनना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, तो सिंपल आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद साइन अप करके आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही आपके मेल पर लॉगिन डिटेल्स चला जाएगा और फिर आपको यूज़र लॉगिन पर जाके लॉगिन कर लेना पड़ेगा। लॉगिन करते ही कुछ ऐसा दिखेगा आपको इनका वेबसाइट। इनकी जो भी सर्विसेज हैं सारी सर्विस यहाँ पर डैशबोर्ड पे ही ऊपर दी हुई हैं और यहाँ पे ऊपर आपको वर्किंग मेनू मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, जिसे आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, DTH रिचार्ज भी यहाँ पे है। कूपन परचेस करने के लिए आप यहाँ से जाके कूपन वगैरह परचेस कर लेंगे और कूपन या रिचार्ज करने के लिए आपको वैलेट में बैलेंस चाहिए तो यहाँ से जाके आप वैलेट में बैलेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं। पैन कार्ड ट्रैक करने के लिए यहाँ से जाके आप पैन कार्ड ट्रैक कर पाएंगे और PSA लॉगिन के लिए सिंपल आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और PSA का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको अपनी PSA ID पासवर्ड के साथ उस पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ से जाके फोटो सिग्नेचर वगैरह आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक, अब पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, PSA की ID चाहिए आपको ताकि आप PSA पोर्टल पर लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीधे ऊपर चले आना है UTI मैनेज में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जाके आपको कूपन परचेस करना होगा। ठीक, कूपन परचेस पे आपको जाना होगा। और यहाँ पे आपको ID देनी होगी, जो भी आपकी ID है वो ID आप यहाँ पे देंगे और यहाँ पे कितनी कूपन आपको चाहिए वो कूपन आप यहाँ पे देंगे क्वांटिटी। ठीक है, कूपन का अमाउंट चला आएगा, फिर परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे और वैलेट से आपका ये बैलेंस माइनस हो जाएगा और कूपन आपको चलाएगा। जैसे ही आप यहाँ से कूपन परचेस करेंगे वो कूपन आपके PSA पोर्टल पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास PSA ID नहीं है या आपको पता नहीं है, पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो यहाँ PSA मैनेजमेंट में जाके आप पासवर्ड यहां से रीसेट कर सकते हैं, UTI PSA पासवर्ड रीसेट, या फिर यहां से जाके आप PSA के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ये आपका PSA ID एक्टिवेट नहीं है तो यहां से जाके PSA ID के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, PSA पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहां पे PSA लॉगिन पे आपको आना होगा और सिंपल इस पर क्लिक करना होगा या डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं, इस URL भी ओपन कर सकते हैं। अब क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपसे ID और पासवर्ड मांगेगा, तो ID आपको पोर्टल पे ही दिख गई है आपकी ID, और पासवर्ड अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ से रीसेट भी पासवर्ड कर सकते हैं। फिर ID पासवर्ड के साथ लॉगिन कर जाएंगे, आप चले जाएंगे PSA पोर्टल पे। लॉगिन करते ही कुछ ऐसा दिखेगा UTI PSA पोर्टल का डैशबोर्ड और यहाँ पे जो अवेलेबल कूपन है वो आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास वो एक कूपन पड़ा हुआ है फिजिकल और ई कूपन कोई भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है। ठीक है, अब पैन कार्ड एप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चले आना है। अब आपके पास पैन कार्ड का एप्लीकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास यहाँ पे कूपन अवेलेबल होगा। तो अवेलेबल कूपन देखने के लिए यहाँ पे अवेलेबल ई कूपन लिस्ट पे चले आएंगे आप। और यहाँ पे जो भी कूपन है फिजिकल कूपन तरफ है और ई कूपन आपका इस तरफ है, तो यहाँ पे जो भी कूपन है आपका कूपन दिख रहा है कि किस डेट को कूपन क्रिएट हुआ है और ये क्या कूपन है। अब अगर आपको पैन कार्ड का एप्लीकेशन करना है, कूपन आपके पास अवेलेबल है, तो आप चले जाएंगे फॉर्म 49 पे और
प्री फॉर्म एंट्री, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल कूपन आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप चले आएंगे प्री फॉर्म एंट्री, और यहाँ से जाके आप ये पूरा पैन कार्ड का फॉर्म खुल गया, इस फॉर्म को फिलअप करके आप सबमिट करेंगे और आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन जो है आगे बढ़ जाएगा, आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ओवरऑल यही है इनका डैशबोर्ड। कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे रिटेलर आईडी कॉस्टिंग 21 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कॉस्टिंग है 49 रुपये, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्टिंग है 110 रुपये। वहीं अगर आप खुद का वाइट लेवल पोर्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2499 रुपये देने पड़ेंगे। कूपन की हम यहाँ बात करें तो रिटेलर को कूपन की कॉस्टिंग है 99, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कूपन की कॉस्टिंग है 97, वहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कूपन की कॉस्टिंग है 96 और वाइट लेवल पोर्टल के लिए कूपन की कॉस्टिंग है 95 रुपीज़। और इसके इसमें रिचार्ज के लिए आपको 2.3% का कमीशन मिल जाता है फ्लैट ऑल ऑपरेटर, डीटीएच के लिए 2.5% मिल जाता है फ्लैट ऑल ऑपरेटर, और बिल पेमेंट के लिए 0.15% का यहाँ पे कमीशन आता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इससे ज़्यादा अगर कुछ जानना पूछना समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके जान पूछ समझ सकते हैं, फिर आपको जमता है तो आप ये पोर्टल ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो यूटीआई पैन कार्ड पोर्टल के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक लव नाइस डे, जय हिंद जय भारत।